नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल, अमेजिंग, मिराकुलस, धांसू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी। ये है सक्सेस स्टोरी कालू की। हेलो दी, अरे यार दी, फर्स्ट तो रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये बहुत ही लंबी सक्सेस स्टोरी हो गई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपके और कान्हा जी की कृपा से मैं बहुत खुश, हैप्पी, हेल्दी हूं। मेरा नाम ये है, अगर आप ये सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं तो मेरा नाम कालू करके शेयर कर सकते हैं, ठीक है दी। मैं बहुत एक्साइटेड हूं मेरी सक्सेस स्टोरीज आपको शेयर करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक दो नहीं बल्कि चार सक्सेस स्टोरीज हैं। और मजे की बात यह है कि ये सभी एक ही दिन में पूरी हुई हैं, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक। और ये आपके जादू का कमाल है। यस, आई लव यू, आई लव यू। नहीं, ये आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन का भी कमाल होता है, जब आप अपने ऊपर काम कर लेते हैं तो हो जाता है। फर्स्ट सक्सेस स्टोरी मेरी कैट की है, जिसका नाम स्वीटी है, जिसका नाम सच में बहुत क्यूट है, जो 5 दिन पहले गुम हो गई थी। हर जगह ढूंढा मैंने, आस पड़ोस के सभी घरों में जाकर के पूछा, लेकिन वो किधर भी नहीं मिली। मेरा रो रो करके बुरा हाल हो गया, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतना प्यार करती हूँ जैसे लड़का लड़की रिलेशनशिप में रहते हैं, आस पड़ोस में पता रहता है, उसी तरह मेरा और मेरी स्वीटी को पूरे गाँव में, मेरे पूरे फ्रेंड्स में, मेरे रिलेटिव्स में सभी लोग जानते हैं। उसको देखे बिना तो मेरी सुबह भी नहीं होती। मैं हॉस्टल में रहती थी तब भी मैं पहले वीडियो कॉल पर उसे देख करके मुस्कुरा करके ही उठती थी। मैं छुट्टी पर घर आ गई और हर रोज मेरी स्वीटी के साथ में खेलती थी। वो हमेशा मेरे बेड पर आकर के ही सोती थी, पर पता नहीं अचानक वो कहाँ पर चली गई और वापस ही नहीं आई। 2-3 दिन मैंने पूरा ढूंढा, लेकिन वो किधर भी मुझे नहीं मिली। मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और मम्मी ने भी बोला कि वो नहीं आएगी, आप भूल जाओ उसे, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। तभी आपका एक सक्सेस स्टोरी का वीडियो मेरे सामने आ गया और मैं थोड़ा पॉजिटिव फील करने लगी। उसी नाइट में मैंने कंटिन्यू 2 दिन विजुअलाइजेशन किया, मेरी स्वीटी मेरे साथ ही सो रही है, और उसके अगले दिन ही स्वीटी मेरे बेड पर आ करके साइड में सो रही थी। मैं सो रही थी और मुझे पता नहीं था कि वो वापस आ गई है। मम्मी ने मुझे उठाया और बोली, तेरी स्वीटी आ गई है, देख अब उठ जा। मैं रो रो करके सोई थी। मुझे पहले लगा कि मम्मी मजाक कर रही है, पर स्वीटी को मेरे बेड पर देख करके मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने उसे कस करके गले लगा लिया और मैं फिर से रो पड़ी। इस टाइम ये खुशी के आंसू थे और उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा ही मैं खुश थी। दीदी, मैं बहुत बड़ी पेट लवर, एनिमल लवर हूं। ये फीलिंग्स वही समझ सकते हैं जो खुद से ज्यादा अपने पेट्स को प्यार करते हैं, खुद से ज्यादा नहीं, खुद जितना प्यार कर सकते हैं। उस दिन मेरी दूसरी सक्सेस स्टोरी की बिगनिंग हुई दोपहर 12:30 बजे। सेकंड सक्सेस स्टोरी मेरी एक बुक की है, जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी, पर वो ऑर्डर मेरे एड्रेस पर नहीं आया, क्योंकि मेरे घर का एड्रेस जो मैंने दिया था, मुझे पता नहीं था कि मेरे गांव में ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि मेरा गांव सिटी से बहुत दूर है। तो वो ऑर्डर मेरे घर के एड्रेस पर नहीं आया और कुछ दिन बाद वो ऑर्डर कैंसिल हो गया और मुझे नहीं मिला। मुझे उस बुक की बहुत ज़रूरत थी। मैं मेरा कुछ सामान लेने के लिए हॉस्टल वापस गई, तब एक अननोन नंबर से कॉल आया, आपका पार्सल आया है, ले जाओ, ऐसा करके बोले। मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। मैंने उसको बोला भी, आपको गलत नाम बताया गया है, मेरा नहीं है, आप वापस लेके जाओ। फिर भी वो नहीं माने और मुझे दे करके चले गए। मैंने वो पार्सल लिया और खोल करके देखा तो वही बुक थी मैंने ऑर्डर किया था जिसे। सरप्राइज्ड थी कि कैंसिल होने के बाद भी वो कैसे मेरे पास में आ गई, वो भी हॉस्टल के एड्रेस पर, जबकि मैंने घर का एड्रेस डाला था। अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे बुक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसी दिन कुछ देर के बाद, मतलब 2 बजे के आसपास, मेरी तीसरी सबसे बड़ी इम्पॉसिबल विश पूरी हो गई। थर्ड सक्सेस स्टोरी मेरे हॉस्टल रूम की है। मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मुझे मेरा रूम चेंज करना था, क्योंकि मेरे रूम में बहुत धूप, सूरज की किरणें आती हैं, धूप की मैं रूम में 10 बजे के बाद चैन से बैठ करके स्टडी भी नहीं कर पाती हूँ। धूप की वजह से मेरा हर रोज़ सर दुखता था और मेरे रूम का फ़ैन 24 आवर्स चालू रहता था, जबकि मुझे फ़ैन से भी बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मुझे फ़ैन इतना ज़्यादा सूट नहीं होता था, क्योंकि फ़ैन की वजह से मेरे सर दर्द और भी ज़्यादा बढ़ गया था। धूप की वजह से आँखों में और भी बहुत पेन होता था।
मैंने वार्डन मैम से बोला कि मुझे रूम चेंज करके दे दो। उन्होंने बोला कि सभी रूम्स फुल हैं, तुझे जैसा रूम चाहिए वैसा रूम नहीं मिलेगा। मैंने फिर होप भी छोड़ दी और उस टाइम मैं जादू प्रैक्टिस में भी थी। एक बार फुल मून था और मैं जादू प्रैक्टिस में जर्नल लिखती थी। मैंने मुझे जैसा रूम चाहिए वैसा लिख दिया और छोड़ दिया और भूल गई। और जब मैं हॉस्टल वापस गई तो अचानक मेरी फ्रेंड ने बोला कि एक रूम खाली हुआ है, वो देख तुझे चाहिए तो तू चेंज कर रही है तो फिर वो नहीं मिलेगा। और वो वैसा ही रूम था जैसा मैंने अपनी जादू प्रैक्टिस में लिखा था, मुझे हमेशा से ही चाहिए था। मैंने फर्स्ट तो इतना थैंक यू बोला उस टाइम की, मैं मेरा पूरा सामान शिफ्ट करते समय थैंक यू बोलती रही। सच में मैं उस दिन बहुत ग्रेटफुल हो गई कि ये मेरी एक ही दिन में तीसरी सक्सेस स्टोरी है और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। पर रुको दी, अभी एक सक्सेस स्टोरी और बाकी है। आई नो ये सक्सेस स्टोरीज बहुत बड़ी हो गई हैं, पता है, पर मेरी सक्सेस स्टोरी से बहुत से इमोशन जुड़े हैं। और उसी दिन नाइट को मेरी फोर्थ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई। फोर्थ सक्सेस स्टोरी मेरी बटरफ्लाई पेंडेंट की है। मेरा बटरफ्लाई का पेंडेंट बहुत दिन पहले गुम हो गया था और बहुत दिन ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा था। मैं कभी कभी मेरे गले में कुछ भी पहनती नहीं हूँ, पर जब से बटरफ्लाई का पेंडेंट लिया तब से वो एक पेंडेंट ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उस दिन हॉस्टल से घर वापस आई और सोने जा रही थी तभी मेरी मम्मी ने मुझे वो पेंडेंट हाथ में ला करके थमा दिया और बोली गार्डन में पड़ा हुआ मुझे मिला। लिटरली उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। मैं इतनी खुश हो गई कि खुशी के मारे मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं अब बस यूनिवर्स और कान्हा जी से थैंक यू बोल रही थी। एक दिन में मुझे सब कुछ मिल गया, इतना कुछ मिल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने आपके वीडियोस के नीचे बहुत लोगों को देखा है आपसे बोलते हैं हम बहुत दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं उनको ये बात बोलना चाहती हूँ, आप जो भी मांगते हैं उस पर पूरी तरह से विश्वास रखो, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दो और फिर देखो मैजिक। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला फंडा विश्वास की बुनियाद ही है। फिर करो विश्वास और पालो कुछ खास। सॉरी दीदी, मे बी ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हो गई है, रियली वेरी सॉरी दीदी, रियली दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कान्हा जी मेरी हर एक विश पूरी करने के लिए। थैंक यू, मेरी हर स्माइल के पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव यू दी, आई जस्ट लव यू। एंड सीरियसली ये सक्सेस स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबी थी। कब आएगी? हाँ, यहाँ से शुरू हुई है, देख रहे हो आप, इतनी लंबी सक्सेस स्टोरी थी ये, सही में बड़ी लंबी थी। चार सक्सेस स्टोरीज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और हमारी जो सक्सेस स्टोरीज होती है वो छोटी सी हो पर वो हमारी बड़ी दिल की तमन्नाएं होती हैं, तो हम आपकी जो भावनाएं हैं ना वो बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि जैसे आपकी कैट की सक्सेस स्टोरी आई तो मेरी जैकी की भी एक सक्सेस स्टोरी थी, मुझे लगा अरे अरे मैं भी शेयर करूंगी, लेकिन नहीं भाई, इतनी लंबी सक्सेस स्टोरीज वो भी चार सुनने के बाद पांचवी मैं आप लोगों को नहीं सुना रही। मैं अपनी सक्सेस स्टोरी अलग से शूट कर दूंगी ताकि आप वो देखिएगा, मेरी जैकी की बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है और वो आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर करती हूँ। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल।